पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्पेन दौरे पर है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के स्पेन दौरे पर सवाल उठाया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब राज्य में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे समय में सीएम ममता बनर्जी विदेश कैसे जा सकती हैं, वो लोगों का दर्द नहीं समझ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के स्पेन में एक लग्जरी होटल में ठहरने पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने पहले ही राज्य सरकार को आगाह किया था कि अगस्त सितंबर में डेंगू के मामले बढ़ेंगे, ये सरकार आम जनता के प्रति लापरवाह है। वो स्पेन जा सकती है लेकिन वो आम लोगों का दर्द समझ नहीं सकती। ममता बनर्जी के स्पेन में लग्जरी होटल में ठहरने की खबरों पर कहा कि हमने सुना है कि सीएम सैलरी नहीं लेती हैं, वो अपनी किताबों और पेंटिंग्स को बेचकर अपने खर्च चलाती हैं। ऐसे में वो कैसे मैड्रिड की लग्जरी होटल में ठहर सकती हैं जिसका किराया 3 लाख रुपए प्रतिदिन है। ममता बनर्जी के विदेशी दौरे की आलोचना करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विदेशी दौरे पर कितना खर्च हो रहा है, कौन सा उद्योगपति ये निवेश कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। सरकार ने विश्व बंगाल उद्योगपति सम्मेलन के आयोजन पर कितना खर्च किया, अगर उसका 10% भी वापस आ जाए तो उससे बंगाल के लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी स्पेनिश कंपनी बंगाल में निवेश कर रही है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत स्थली में जगह मिलने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि शांति निकेतन को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, उसकी अपनी पहचान है। पहले ये तो देखिए कि क्या शांति निकेतन में वैसा माहौल है जैसा रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे। हर दिन तो वहाँ RSS और TMC कार्यकर्ताओं में झगड़े होते रहते हैं। संसद ने महिला आरक्षण बिल पारित होने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ लोगों की असल दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। मोदी सरकार चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे ला रही है जिसमें महिला आरक्षण बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे हैं।